हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में मैं रिव्यू करने वाली हूँ गुड वाइब्स के न्यूली लॉन्च फाउंडेशन का। गुड वाइब्स एक स्किन केयर ब्रांड है, बट इन्होंने अभी धीरे धीरे अपने मेकअप प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए हैं। एंड इन्होंने एक हाइड्रा ग्लो रेंज लॉन्च किए हैं मेकअप में, जिसमें आपको प्राइमर से लेकर फाउंडेशन, कंसीलर, सारे मेकअप के प्रोडक्ट मिल जाएंगे। तो इन्होंने मेकअप के साथ साथ स्किन केयर को भी इसमें इंक्लूड किया है। जिस फाउंडेशन की मैं बात कर रही हूँ, ये है हाइड्रा ग्लो लिक्विड फाउंडेशन। एंड इसमें जो हीरो इंग्रेडिएंट है वो है रेड ऑरेंज एक्सट्रैक्ट। रेड ऑरेंज एक्सट्रैक्ट बहुत ही बेनिफिशियल इंग्रेडिएंट है हमारी स्किन के लिए। ये एंटीऑक्सीडेंट एंड वाइटामिन से भरपूर होता है, एंटी एजिंग का काम करता है, हमारी स्किन को रीजनरेट करता है। अगर आपकी स्किन पर डार्क स्पॉट्स वगैरह है तो ये उसको भी फेड करता है, नरिश करता है हमारी स्किन को, इनको ब्राइटन करता है और एक हेल्दी ग्लो भी प्रोवाइड करता है। तो ये मेकअप प्लस स्किन केयर प्रोडक्ट है, जिसमें आपको मेकअप के साथ साथ स्किन केयर के भी बेनिफिट मिल रहे हैं। ये फाउंडेशन टोटल 6 शेड्स में अवेलेबल है। इसमें मेरा शेड है 340 रोज पेज। चलिए इसकी पैकेजिंग देख लेते हैं। ये है इसकी आउटर पैकेजिंग। इसके जितने भी मेकअप प्रोडक्ट है वो उनकी आउटर पैकेजिंग कुछ इसी तरह की है। तो इस तरह की वाइट कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आपको रिसीव होगा। तो इसमें आपको 3 साल की शेल्फ लाइफ मिल रही है। 549 रुपीस इसका MRP है। ये पैराबिन फ्री है, अल्कोहल फ्री है, मिनरल ऑयल फ्री है, इसमें कोई भी ऑयल नहीं है। एंड ये नेचुरल टू बिल्डेबल कवरेज आपको प्रोवाइड करता है। इंग्रेडिएंट लिस्ट भी मिल जाएगी, फिर इसमें आपको शेड नेम भी मिल जाएगा। तो ये है इसकी इनर पैकेजिंग। ये इस तरह की ब्लैक ट्यूब पैकेजिंग में है एंड ये 30 ml की क्वान्टिटी में है। ये ना तो ज़्यादा थिक है एंड ना ज़्यादा लिक्विडी है। ये वाटर बेस्ड है, ऑयल फ्री है, इसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं है एंड ये बहुत ईजिली ब्लेंड हो रहा है। तो मैं इसको फिंगर की हेल्प से डॉट डॉट करके पहले फेस पे अप्लाई कर लूँगी। इसमें मैंने एक शेड लाइटर ऑर्डर किया है, क्योंकि ये एक शेड ऑक्सीडाइज होता है। तो आप जब भी इसको परचेज करोगे, अपने स्किन टोन से एक शेड आपको इसको लाइटर लेना है। एंड इसको मैं फिंगर की हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ। तो मैंने पहले बहुत ही थोड़ा प्रोडक्ट लगाया है। अगर और भी ज़्यादा इसकी कवरेज चाहिए तो आप इसको बिल्डअप कर सकते हैं। एंड आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये एक मॉइस्चराइजर की तरह ही ब्लेंड हो रहा है। तो आप दोनों साइड पे डिफरेंस देख सकते हैं। मैंने फाउंडेशन आपको फेस पे अप्लाई करके दिखा दिया है। और अगर मैं कवरेज की बात करूँ तो इसकी कवरेज बहुत ही लाइट टू मीडियम कवरेज है, उतनी ही कवरेज है जितने कि आपको एक BB क्रीम से भी मिल जाती है। एंड अगर आपने मेबिलिन का फिट मी फ्रेश टिंट यूज़ किया है तो इसका फॉर्मूला थोड़ा थोड़ा उसके जैसा ही है। मैंने फाउंडेशन को फिंगर के साथ ब्लेंड किया था एंड आपने कवरेज इसकी देख ली है। अगर आप इसको ब्यूटी ब्लेंडर के साथ ब्लेंड करेंगे तो इसकी कवरेज और भी कम आएगी। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी, या तो आप ब्रश का यूज़ करें फाउंडेशन को ब्लेंड करने के लिए, या तो फिंगर का यूज़ कर सकते हैं। एंड फिंगर से भी ये बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाता है। ये बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग है, 8 hours तक ये आपकी स्किन को हाइड्रेट करके रखेगा। तो अगर आपकी ड्राई स्किन है तो ये फाउंडेशन बहुत अच्छा है आपकी स्किन के लिए। बट अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप इस वेदर में तो इसको यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अभी मॉनसून का जो सीजन चल रहा है उसमें बहुत ही आपकी स्किन चिपचिप होती है। तो आप चाहे तो इसको विंटर में यूज़ कर सकते हैं। तो जैसा कि इस फाउंडेशन का नाम है हाइड्रा ग्लो फाउंडेशन, तो ये वैसा ही आपके स्किन पे हाइड्रेटेड ग्लो प्रोवाइड करता है। ग्लोई डूई बेस आपको प्रोवाइड करता है, सिल्की स्मूथ फिनिश देता है। आप डेली मेकअप में फाउंडेशन यूज़ करते हैं, अगर ऑफिस या कॉलेज जाते समय आप फाउंडेशन अप्लाई करते हैं, तो ये वाला फाउंडेशन बहुत अच्छा है डेली मेकअप के लिए। अगर आपको इस तरह के फाउंडेशन पसंद आते हैं जो कि स्किन लाइक फिनिश देते हैं, तो आप ये वाला फाउंडेशन ज़रूर परचेज कर सकते हैं। तो इस फाउंडेशन का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके भी परचेज कर सकते हैं। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। एंड ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो लेके मैं आपके लिए आते रहूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।